अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। परमं पवित्रं परमस्तु तेजं वाक्यं इति शुभम्। माँ, हम ये पूजा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे पिता के लिए। तुम ये पूजा पहली बार कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हें ये जनेऊ पहनाया जा रहा है। माँ, ये मुझसे नहीं हो रहा, चलो घर चलो ना। थोड़ी देर और कृष्णा, हम लोग चलते हैं ना घर। और अब तुम चुपचाप बैठ के पूजा करो, वरना पंडित जी तुम्हें डांटेंगे। जहाँ कृष्णा होते हैं, वहीं धर्मराज भी होते हैं। आज कृष्णा आया पूजा करने, तो शायद आज मालिक भी आ जाए। काश आज के दिन मालिक आ जाए। हे खोडियार पर, आज धर्मपुर के इस मंदिर में धर्म निभाइए दोनों तरफ से। पोता आया अपने पिता के लिए, तो दादा को भी लाइए अपने बेटे के लिए।
घूंघट एक सुहागन का लाज होता है। आज मैंने अपनी लाज की आड़ से मालिक का चेहरा तो देख लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद घोड़ियार माँ, आज मेरे 10 सालों की तपस्या सफल हो गई है। मालिक के दर्शन तो हो गए, अब मुझे घर जाना चाहिए। सुना नहीं तूने? मैंने पूछा कौन है तू? छोकरी लक्ष्मी है, नई नौकरानी, तोरल की देखभाल के लिए आई है। इसको बोल अपना पायल उतारे। समझा दे कि आज पची पायल की आवाज मेरे कान तक नहीं आनी चाहिए। बहुत कष्ट होता है मुझे इस आवाज से। पंडित जी, मालकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब गड़बड़ हो गई चंपागली। मैं मंदिर में मालिक को देखने गई थी, उनसे मिलने गई थी। मालिक को देख तो लिया मैंने, पर बहना, खेमी बहना, क्या हुआ? ने मुझे रोक लिया। मैं बिना कुछ कहे वहां से भाग कर यहाँ आ गई। खेमी बहना को आप पर शक हुआ तो वो पूछताछ जरूर करेगी। आप जब मंदिर गई थी तभी मुझे कुछ खटका हुआ था कि कहीं कुछ। पर चंपा के लिए मैं मालिक से एक बार बस मिलना चाहती हूँ। मालकिन, जब तक नीचे का माहौल ठंडा नहीं होता आप स्टोर रूम में रहिए, मैं देख कर आती हूँ नीचे सब ठीक है कि नहीं। चलिए।
मालिक की गाड़ी, यानी मालिक घर आए हैं। मालकिन क्या हुआ चंपकली? मालकिन मालिक घर आ गए हैं। सच? आप यही रहिए, मैं नीचे सबको बताकर आती हूँ। वाह वाह तरुण भाभी, पता है मालिक आ रहे हैं। नानका तेरे साथ आया था? मतलब मंदिर में उसने पूजा की? दादाजी मंदिर में आए थे, मैंने पूरी पूजा उनके साथ की। ए चंपाकली। जी बेनबा। इधर आ। जी जी बेनबा। लक्ष्मी कहाँ है? मुझे नहीं पता लक्ष्मी कहाँ है। क्या हुआ केमी? कुछ नहीं बड़ी बेनबा, आने दो लक्ष्मी को, बहुत छनछन आती रहती है ना, कालती हूँ मैं उसकी छनछन। अरे आ गए मेरे बेटा। देखो तुम लोग को एक काम करना पड़ेगा, तू तेरे नाना जी और तू तेरे दादाजी उनको एक फल खिला देना, समझे? ले जा बेटा, संभाल के बेटा जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे मेरे धर्मराज को वापस जीवन में ला ले, बस इतनी कृपा कर दे मेरे बाप। मालिक मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, पर कैसे? अब तो बहना मुझे आपसे मिलने भी नहीं देगी, आपके सामने भी नहीं जाने देगी। मालकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये फल खा लीजिए, बच्चे मालिक के लिए भी फल लेकर गए हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे बाकी पैरों की मालिश करनी है। अरे हाँ फल जरूर खाइएगा। तेरे दिल का मैं
आज के बाद इस घर में कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। हाँ, मैं इस घर में रहूंगा और मैं इस घर का नहीं। इस घर का अन्न खाके इस घर की अन्नपूर्णा की तरफ मेरा कर्ज रहेगा। बस क्यों आए नाना जी? आप कहाँ चले जाते हैं, कुछ बोल के क्यों नहीं जाते? हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना दादाजी? नाना जी ये फल खा लीजिए ना। खा लूंगा बाद में। मुखी दत्या, अब जाओ। नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे दादाजी। नहीं नाना जी, हम आपके पास ही सोएंगे, नहीं तो आप चले जाएंगे और हम आपको ढूंढते ही रह जाएंगे। नहीं, कल है सवार सवारे विद्यालय जाना है ना, रात बहुत हो गई है। चलो जाओ, कोई जल्दी ना। ठीक है नाना जी, गुड नाइट। गुड नाइट दादाजी।